होता है ना, वैसे ही हमारी स्किन का टेक्सचर तब्दील होने लगता है। इसीलिए विंटर में अपनी स्किन पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि स्किन ड्राई होने लगती है। अगर आप लोग विंटर स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करते तो फिर आपकी स्किन इरीटेट हो जाती है, आपकी स्किन पर क्रैक आने लग जाते हैं, आपकी स्किन पर इचिंग होने लग जाती है और रेडनेस आ जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ रेमडीज़ जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगी, रिपेयर करेंगी, ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, जो कि विंटर स्किन केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी का ड्राइनेस कैसे ख़त्म करें, अपनी स्किन से जो है ड्राइनेस कैसे ख़त्म करें। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल एक्सप्लोर विद नाज, और मैं हूँ नाजिया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज विंटर केयर रूटीन की, जो कि बॉडी को विंटर में हमारी बॉडी जो है वो ड्राई होने लग जाती है, हमारा फेस ड्राई होने लग जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपने पैसे बचाकर अपनी सर्दियों को खुशगवार बना सकते हैं। सबसे पहले ड्राई स्किन के लिए बॉडी मिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी DIY बॉडी मिस्ट। गाइस, घर में बॉडी मिस्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहला है रोज वाटर। हम लोग रोज वाटर और प्लेन वाटर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे और इससे जो है बॉडी मिस्ट बनाएंगे। अपने फेस के ऊपर अच्छे से स्प्रे बॉटल में डाल के 2 से 3 घंटे के बाद, हर 2 से 3 घंटे के बाद इसे अप्लाई करते जाएंगे। तो ये है बॉडी मिस्ट जो कि सर्दियों में आप लोगों को ड्राइनेस से बचाएगा। स्टेप 2 में हम लोग जो है मॉइस्चराइजर की बात कर लेते हैं। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए बेसन और एलमंड, ये 2 चीज़ों को मिलाकर हम लोग मॉइस्चराइजर तैयार करेंगे जो कि आप लोग 15 मिनट्स के लिए अपनी फेस के ऊपर लगाएंगे और आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी। गाइस, ये आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन के ऊपर शाइन लेके आएगा और आपकी स्किन के ऊपर जितने भी क्रैक्स वगैरह होंगे ना, वो आपको एक अप्लाई में ही दूर जाते नजर आएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लिप्स की। तो ये जो मॉइस्चराइज पैक हम लोगों ने बनाया है, यही आप लोग अपने लिप्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और फिर हल्के हाथों से मसाज करके इसे रिमूव कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि ड्राई स्किन के लिए जो है कौन सा ऑयल हम लोग ऐड करेंगे। गाइस, मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि हर स्किन टाइप के ऊपर कंफर्टेबल यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग जो है एलमंड ऑयल की जगह बेसन में कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग गाइस बात करते हैं होबा ऑयल की। ये आपकी स्किन को जो है ड्राइनेस से बचाता है, जिस किस्म की भी प्रॉब्लम आपकी स्किन में होती है उसे दूर करता है, आपकी स्किन में जो एक्सेस ऑयल होता है उसे ख़त्म करता है। उसके बाद गाइस, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप लोगों को विंटर में बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेंगी, आप लोगों की ब्यूटी को इन्हेंस करेंगी और आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखेंगे। गाइस, जब आप लोगों ने शॉवर लेना है तो आप लोगों ने हॉट वाटर से शॉवर नहीं लेना, गर्म पानी से अगर आप लोग शॉवर लेंगे तो आप लोगों की स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा। बिलीव मी, आप लोग सिर्फ गुनगुना पानी लीजिए, इतना कि बस आप लोगों को पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा ना लगे, ठीक है, इस तरह का पानी लीजिए, उससे आप लोग शॉवर लीजिए और 5 मिनट से ज़्यादा विंटर में शॉवर ना लीजिए। इसके साथ गाइस, आप लोग जो है अपनी डाइट को अच्छा कीजिए, डाइट को अच्छा करें, मिल्क लें, कोकोनट वाटर लें, हेल्दी डाइट लें जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हों। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोग जो है विंटर्स के लिए प्रिपेयर होने लगेंगे इस वीडियो के बाद। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में संबल मेडिकल हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, एक्सप्लोर विद नाज, मैं जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइस, इससे पहले मैंने एक मॉइस्चराइजर जो है जेल बेस बनाया था DIY, जो कि मैंने अपनी प्रोडक्ट्स में भी दिखाया था कि मेरे पास मार्केट में कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं है बिकॉज ऑफ मैं DIY मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। और अगर आप लोग वो मॉइस्चराइजर बनाना चाहते हैं और अपने पैसे बचाना चाहते हैं और गजब के रिजल्ट पाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे भी चेकअप कर लीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।